subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. सौंदा मज़ेदार रेसिपीज मज़ेदार वीक कंदा अचूँ पे जो ईद उल अज़हा के हिसाब से काफ़ी सारी रेसिपीज तक ठाण सिखारूँ पाया। हबीब कुकिंग ऑयल असा गड है वाइटमिन ए डी का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल है ओमेगा 3 & 6 में मौजूद है जो तेजे एक्स्ट्रा फैट्स के बर्न कर तमाम बेहतरीन। ये है दिल का मामला हबीब कुकिंग ऑयल। बनस्पति घी तमाम बेहतरीन है जो मिठा ठहंदा खासकर ईद में या डिफरेंट रेसिपीज असा ठाईंदा तो उनमें मिठन की जरूरत होंगी या बिरयानी में। बनस्पति घी पराठन में भी तमाम सुठो ठहंदो है। एनएक्स असा गड है एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर तमूँ यूज़ कबो है। अजोकी जो रेसिपी ठाकुर पाया मज़ेदार रेसिपी ईद में मिठो एक डिफरेंट ठाण सिखा पे रबड़ी असा एडी महंगी बारह वही खाइंदा तो घर में आसानी से ही सस्ते उनमें ठही वी है आराम से तक ठाण सिखा पे। अज रबड़ी एक स्पेशल असा ईद स्पेशल कढ़ाई ठाकुर पाया बीफ या मटन में तुम ठाई सो तो बई रेसिपी सुबह 12 वगे रिपीट हल्द स्क्रीन पर नंबर ले पे का भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछो हो पूछी सो था। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे हबीब कुकिंग ऑयल के साथ वाइटामिन ए और डी से भरपूर है लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है ओमेगा 3 मौजूद है ओमेगा 6 मौजूद है जो आपके एक्स्ट्रा फैट्स को बर्न करता है क्योंकि ये है दिल का मामला हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन नंबर 1 क्वालिटी में दस्तियाब है मार्केट में। एनएक्स हमारे साथ है एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर आपके सामने यूज़ करते हैं। ईद उल अज़हा के हिसाब से पूरा कंप्लीट वीक किया था लास्ट भी ये वीक भी है इंशाल्लाह चांद रात तक जो भी हमारे डेज होंगे उसमें सारी रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे। आज बना रहे हैं रबड़ी मीठा हम बना रहे हैं रबड़ी का जो आप ईद के लिए बना सकती हैं बहुत ही ईजी वे में ये बनेगी रबड़ी। उसके साथ हम बना रहे हैं ईद स्पेशल कढ़ाई वो आप बीफ में बना सकती हैं मटन में बना सकती हैं। कल 12 बजे रिपीट चलेगा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है कोई भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं और किचन में चलते हैं रेसिपी करते हैं स्टार्ट। रबड़ी हम बना रहे हैं 1.5 किलो दूध से ठीक है 1.5 किलो दूध से बना रहे हैं। ये बनेगा एक बॉल चूल्हा मैंने बंद कर दिया था अब दोबारा ऑन कर रहा हूँ। पहले आपने दूध को बॉयल करना है आप 2 किलो बना लें मैं 1.5 किलो बना रहा हूँ तब भी अच्छा खासा एक बड़ा बॉल बन जाएगा तकरीबन 3 पाव जितनी ये रबड़ी बनेगी ठीक है 6 अफराद आराम से खा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है सबसे पहले आपने दूध लेना है 2 लीटर ठीक है उसको आपने पहले बॉयल करना है अच्छा बॉयल हो जाए फिर हल्की आंच कर दें 6-7 मिनट बाद उसके ऊपर एक मलाई की लेयर आ जाएगी ठीक है। वो मलाई की लेयर आएगी तो उसको हम साइड में करते जाएंगे पतीले में आहिस्ता आहिस्ता और जितनी देर ये बनेगा आपने इसके साथ रहना है छोड़ना नहीं है दूध को ना ये जलना चाहिए ना ये उबल के बाहर आना चाहिए ठीक है। रबड़ी ठाकुर पाया रबड़ी की फरमाइश काफ़ी अर्से का आई पे ईद आए ईद के हिसाब से मिठो ही ज़बरदस्त टाइप रबड़ी इन ला 2 लीटर खीर के तुम काढ़ो काढ़े खीर के तुम छाको काढ़ का पोता खीर के हल्की बाहे करी छो जैसे चंगी तरह कड़ी वो उनके हल्की बाहे करी छो हल्की का थोड़ी तेज़ रखो और गड बीठा हो जो इनके छड़नो ना ना खीर बॉयल थी बाहर अची वो। अब ये देखें दूध हमारा बॉयल होता जा रहा है और ये साइड में आप देख रहे हैं जो मलाई जमती जा रही है उसको हम साइड में करते जा रहे हैं ठीक है। ये जितनी मलाई जमती जा रही है इसको इस तरह साइड में करते जाना है सेंटर से उठाते जाएं मलाई को साइड में यूँ लगाते जाएं बाउंड्री में ठीक है। हीअं मलाई के खड़ी साइड में लगाईंदा वेंदा हर 3-4 मिंट का मलाई जमंदी वेंदी तुम साइड में जमा कंदा वेंदा और सजो प्रोसेस प्रोग्राम के दौरान तक बुधाइंदम रबड़ी कि थे थी कॉल वूँ तो अस्सलाम वालेकुम सगर भाई तहां कल बुधायो ना त दोस्त यार दंगी एक यखनी ठाइजे जी जी वो रखने त घणा नी रखी सको था क्या 1 महीने तई ता उनके फ्रीज करे सको ता यखनी के अच्छा जी आई अगर वो नॉर्मल फ्रिज में रखनो है तो 4-5 दिन एक हफ्ते तई रखी सको ता अगर लाइट नथी माने वधिक थदी रहे न त फ्रीज करनी है त 1 महीने त उनके फ्रीज करे सको ता ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज़ ठीक है। दोबारा बता रहा हूं 2 लीटर दूध लिया उसको बॉयल किया अच्छा सा बॉयल हो जाए फिर हल्की आंच पे छोड़ दे हल्की से थोड़ी तेज़ रखिएगा आंच जलनी भी नहीं चाहिए हल्की और ये आप मलाई जमती जा रही है देखिए मैं हटाता जा रहा हूँ मलाई को इस तरह मलाई हटाते जाएं और इसको यूँ साइड में बाउंड्री पे लगाते जाएं ठीक है। 2 लीटर खीर खाओ मलाई जगह खीर के मथा अचण लगंदी 4-5 मिंट में मलाई जी तेज जमंदी वेंदी चारों तरफ साइड्स में लगाईंदा वेंदो जडे खीर सफा 1 पाव जितरो रहजी वेंदो पोइंजे अंदर जितनी मलाई ठही वो असा साइड में कंदासी ये रबड़ी ठहंदी है इन खां ही ठहंदी है ठीक है। इसी से रबड़ी बनती है लच्छा जो होता है रबड़ी के अंदर यही होता है और इसके अंदर 1/2 पाव हम खोया डालेंगे फीका खोया और थोड़ी चीनी जाएगी 4 टेबल स्पून और इलायची का पाउडर जाएगा ये पूरा प्रोसेस आपके सामने कर रहा हूँ और आप इसको बनाते जाइएगा। अब हम क्या करते हैं जब तक कि इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पर
रबड़ी को ये तो बनती रहेगी जब तक हम एक इसको एक घंटे का टाइम लगता है रबड़ी को बनने में, ठीक है 40 मिनट से एक घंटा लगेगा। आपने चूल्हे के साथ ही रहना है, मीन्स के दूध के साथ ही रहना है, गिरना नहीं चाहिए और जलना नहीं चाहिए, ना हो कि जल जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। कॉल बटन था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कह रहे हैं कितना गला प्या? मैं कराची से बात कर रही हूँ शेफ फैसल, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है शेफ। मुझे आपसे दो सवाल पूछने हैं। जी पूछिए। पहला सवाल तो ये है कि जो हम पपीता इस्तेमाल करते हैं ना गोश्त में, जी जी, तो वो कच्चा पपीता हम इस्तेमाल करें या पक्का पपीता इस्तेमाल करें, तो उसे किस तरह इस्तेमाल करें, उसकी स्किन के साथ इस्तेमाल करें या बगैर स्किन? देखिए आप पपीते का पेस्ट बना के रखेंगी ना, वो उसको आप फ्रीज भी कर सकती हैं। उसका तो तरीका ये कि आप ट्रे की क्यूब्स में भी, जो आइस क्यूब्स के ट्रे में आप क्यूब्स बना बना के फ्रीज कर लें, ठीक है, दो दिन बाद निकाल के उसको शॉपर में डाल के रख दें। 1 टेबल स्पून जितनी बनेगी, 1 kg to 1.5 kg यानी 1.5 kg तक आप एक खाने का चम्मच डालेंगे पपीते का पेस्ट, और उसको मैरिनेट करके आपने एक घंटा छोड़ देना, उसके बाद स्पाइसेस डाल के आप उसको मैरिनेट करें। और अगर गोश्त नहीं गलता है, पकाने के लिए आपने गोश्त जब मसाले वगैरह भूनते हैं उस दौरान आप पपीते का पेस्ट लगा के गोश्त को रख दें, तो वो गोश्त आपका फौरन गल जाएगा पकने में, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पपीता है वो हम स्किन के साथ इस्तेमाल करें या बगैर? नहीं, जो कच्चा पपीता है वो बगैर स्किन के, और जो पक्का पपीता वो आप स्किन के साथ कर सकती हैं। पक्का रेस्टोरेंट्स में जो हम लोग यूज करते हैं वो पका हुआ पपीता यूज करते हैं, ठीक है। घरों में खवातीन कच्चा आप पक्का पपीता ले लें, उसका भी पेस्ट बना के लगाएंगी, सेम वही मेथड है उसका भी, लेकिन वो छिलके के छिलके के साथ, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये मुझे पूछनी है कि ये जो आपने कल परसों कहा था ना कि चर्बी इस्तेमाल करें सॉफ्टनेस के लिए जो कोफ्ते वगैरह बनाते हैं, जी जी, तो ये चर्बी सेहत के लिए सही है तो यहाँ चर्बी की जगह वो बिल्कुल सही है? वो वाली ये होती है रवाद, इसको कहते हैं रवाद, ये व्हाइट कलर की होती है जो मेल्ट हो जाती है जिससे घी बनता है, ठीक है, ये आप यूज कर सकती हैं। आधा किलो में 50 ग्राम सिर्फ आपने यूज करना है फैट, ठीक है, 50 ग्राम मींस के 3 to 4 tablespoons जितना बनेगा, तो उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप फैट जा रहा है, ठीक है। और आप ना बीफ बर्गर सिखाएंगे कि या सिखा चुके हैं या सिखाएंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं ये नोट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह बीफ की रेसिपीज में आफ्टर ईद भी 2 weeks तक बनाता रहूंगा, तो उसमें मैं एडिशन करूंगा स्टेक्स वगैरह है, तो बीफ बर्गर भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखें मलाई आ रही है और इसको मैं हटाता जा रहा हूँ, ठीक है, मलाई अच्छे पे इसको बाउंड्री लगाते जाएं इस तरह स्पून से हल्की हल्की, ये आहिस्ता आहिस्ता पकता जाएगा, ये 2 liter दूध में से 1 पाव जितना दूध रह जाना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड पे आप इसकी बाउंड्री लगाते जाएंगे, 1 पाव जितना दूध रह जाना चाहिए और ये जो मलाई है साइड में जमती जा रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं कढ़ाई, ईद स्पेशल कढ़ाई, ठीक है, ये फ़ौरन आप बना सकते हैं ईद वाले दिन। गोश्त को आप पपीते का पेस्ट लगा के रखते हैं, आधा किलो गोश्त को 1 चाय का चम्मच, 1 किलो गोश्त है बीफ या मटन तो 1 खाने का चम्मच लगा दें, ठीक है। यहाँ पे हम ऑयल लेंगे 1/2 cup जी, हाँ 1/2 cup असा खड़ंदा सी कुकिंग ऑयल, हबीब कुकिंग ऑयल, ठीक है, 1/2 cup हमने हबीब कुकिंग ऑयल ले लिया। जैसे हबीब कुकिंग ऑयल गर्म होगा इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन और चॉप किया हुआ अदरक, पेस्ट डालना चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं, हम चॉप किया हुआ डाल रहे हैं यानी कट कुटा हुआ, ठीक है, मोटा मोटा कुटा हुआ होगा अदरक और लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने जो चम्मचो अदरक, 1 खाने जो चम्मचो थूम कुटियल है, ठीक है, बारीक ना है पेस्ट ना है, कुटियल है अदरक और थूम, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन डाल दिया। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मेरी बात सुने? जी जी बोलें। वो ना बालों के बारे पूछना था, आपने कोई ऑयल बताया था कि इस तरह का लगाना है, हमारी बारी फैमिली वाले लगाते हैं, उस दिन मैंने प्रोग्राम स्टार्ट दिया था, ये पूछना था सर भाई से। ऑयल पूछते हैं, कौन सा ऑयल बनाया था? हाँ जी, बालों के लिए बता रहे थे, मैंने सुना नहीं था। अच्छा, ऑयल आप ले लें, सरसों का ऑयल 1/2 liter ले लें, ठीक है, उसमें मेथी दाना जो मिलता है, मेथी दाना पता है ना आपको, मेथी दाना होता है, मेथी के दाने होते हैं जो अचार वगैरह में डलता है, मेथी दाना आप 8 से 10 खाने के चम्मच मेथी दाना लें, उसको हल्का सा रोस्ट करें तवे पे या फ्राइंग पैन पे, ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, हल्का सा सेकने के बाद आप उसको ठंडा करके कूट लें, मतलब मोटा मोटा कूट लें, उसको चोट मारें ताकि उसका मुँह खुल जाए, उसके बाद आपने वो बोतल में, शीशे की बोतल में ऑयल डाल के और वो मेथी दाना डाल के उसको बांध के मुंह बंद करके उसको 10 दिन तक तेज धूप में रखना है और डेली हिलाते रहें उसको अच्छी तरह बोतल को, 10 दिन के बाद यूज़ करें, बालों में अच्छी तरह मसाज करके बाल बांध लें, दूसरे दिन फिर आप कोई अच्छा हेयर फॉल शैम्पू ले लें, उससे आप है ना वॉश करें
तो फिर आपके 3-4 महीनों में जो दो मुंह वाले बाल होते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही होती, रूखे बाल होते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। सही है। धूप में रखना 10 दिन? जी, धूप में, तेज धूप में रखना है 10-12 दिन तक, और यूज करने के बाद भी इसको धूप में ही रखें। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मलाई को हम हटाते जाएंगे साथ साथ, ताकि रबड़ी भी हमारी तैयार होती जाए। यहाँ पे हमने लिया था अदरक लहसुन कॉल आ गई थी, 1/2 कप ऑयल लिया, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने जो चम्मचो अदरक, 1 खाने जो चम्मचो थूम, सावा मिर्च 3 का 4 अदद इतने कटिंग करे विझंदासीं। ठीक है, 3 से 4 अदद हरी मिर्च डाल दी चॉप करके, इसको हल्का सा भूनेंगे। ठीक है, अदरक विधि, 1/2 कप ऑयल विधो, इनमें अदरक विधि 1 खाने जो चम्मचो थूम, 1 खाने जो चम्मचो 3 का 4 अदद मोटा वारा सावा मिर्च, बारीक सावा मिर्च था 1 विझो। ठीक है, मोटी हरी मिर्च डाली है 3 अदद, बारीक हरी मिर्च तेज़ होती है, मलीर वाली जो यहाँ पे मिर्ची जिसे कहते हैं बारीक वाली, वो तेज़ होती है, तो वो आप 1 डालेंगी, 3 नहीं डालेंगी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त हमारे पास बोनलेस है, बीफ ले लें या मटन ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, 1/2 किलो इसमें गोश्त जाएगा, बोनलेस डाल रहा हूँ, आप हड्डी वाला डालना चाहें तो हड्डी वाला भी डाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बोटियाँ जो कढ़ाई कट होती हैं उस तरह की है। फिर छापी होती है खालिद भाई, डिसो ज़रा। अब इसके बाद हम इसको जी कॉल बटू था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फैसल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? अकीला अतबार से बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआएं। मैंने फरमाइश की थी नरगिसी कोफ्ते बनाने की, रमजान में की थी, आपने कहा था 28वें रोजे को बनाऊंगा, लेकिन आप आए नहीं है। कौन से फिर आपने बनाए भी नहीं? कोफ्ते तो मैंने बनाए थे अभी, ईद से पहले नहीं बनाए, नरगिसी कोफ्ते नहीं बनाए। नरगिसी कोफ्ते? जी जी, नरगिसी कोफ्ते नहीं बनाए मैंने, इंशाल्लाह देखें या तो ईद से पहले बना दूंगा या ईद के बाद बना दूंगा। ठीक है, ईद से पहले बना दें, क्योंकि इस बार तो डिशेस बना डिफरेंट डिशेस तैयार करते हैं ना, इसलिए। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ नरगिसी कोफ्ते ईद से पहले बना देता हूँ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ब्रेक तो मैंने भी शॉर्ट ब्रेक वटूँ था, ब्रेक था जैसे इनके थोड़ी देर फ्राई करा, तो वहीं असांजी रबड़ी तैयार थे। फिर रबड़ी तैयार हो रही, साथ साथ दूध को साइड में करता जाऊँगा, मलाई को, गोश्त को 4-5 मिनट फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद मसाले ब्रेक के बाद आके डालेंगे। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठही पए तमामु बहितरीन, हिते असां ठाहियूं पिया रबड़ी, ईद जे हिसाब सां मिठो ज़बरदस्त ठहे पियो रबड़ी जो। ऐं जो तरीक़ो वरी ॿुधायां थो, जेका हाणे टीवी खोली हुजे, लाइट हाणे आई हुजे, रबड़ी लाइ 2 लीटर खीरु खणंदो, हुनखे पहिरीं काढ़े छॾिजो, पोइ काढ़ण खां पोइ तव्हां ॾिसंदो की कंहिं तरीक़े सां हे साइड्स मलाई हिनजी हल्की बाहि ते छॾी आहे, मलाई हिनजी मां साइड में कंदो वञा पियो। ठीक है, रबड़ी के लिए हमने 2 लीटर दूध लिया था, पहले बॉयल कर दिया, बॉयल करने के बाद हल्की आंच कर दी, और इसको मैं इस तरह साइड में जो मलाई आती जा रही, 3-3, 4-4 मिनट बाद आप हटाते जाएंगे, यही रबड़ी का लच्छा होता है, इसी तरह रबड़ी बनती है। ठीक है, ये जब 1 पाव के करीब दूध रह जाएगा इसमें, तो हम इसमें एडिशन करेंगे बाकी चीज़ों की, वो आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बीफ डाल दिया था, अदरक 1/2 कप ऑयल गर्म किया था। ठीक है, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक कुटी हुई डाली थी 1 खाने का चम्मच, लहसुन कुटा हुआ डाला था 1 खाने का चम्मच, और उसके साथ मैंने हरी मिर्चें 3 अदद मोटी वाली चॉप करके डाल दी थी, और इसमें फिर बीफ डाल के, और बीफ को हमने भूनना शुरू कर दिया। ठीक है, इतने असं बीफ के कें ठाँ पे कढ़ाई जो ठाँ पे बीफ या मटन की खणंदो 1/2 कप ऑयल, थूम खणंदो इनमें कुटियल 1 खाने जो चम्मचो, अदरक खणंदो कुटियल 1 खाने जो चम्मचो, ऐं सावा मिर्च मोटा वारा 3 या पतलो बारीक वारो आहे तेज़ वारो त 1 कटिंग करे विझंदो, दाग ठहंदो, हुन खां पोइ तव्हां हिनमें बीफ जेको आहे या मटन 1/2 किलो बग़ैर हॾी जे या हॾी वारो विझी सघो था, ऐं हिनखे थोरी देरि फ्राई करण खां पोइ हाणे हिनमें मसाला एड कंदासीं। ठीक है, मसाले अब इसमें एड करेंगे, सबसे पहले 3 अदद टमाटर बड़े लाल टमाटर चॉप करके डाल दिए, 3 अदद टमाटा चॉप करे विझी छॾिया। 3 अदद टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले,
नमक जाएगा एक चाय का चम्मच से थोड़ा कम हसबे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ, धनिया को कूट के साबित धनिया कुटा हुआ एक खाने का चम्मच, और ज़ीरा कुटा हुआ एक चाय का चम्मच। कॉल बटूँ तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कैसी हैं आप? जी कुछ कहना चाहेंगी? जी मुझे वो पूछना था, कल आपने जो कोफ्ते बनाए थे ना बिरयानी कोफ्ता, जी जी, उसमें क्या क्या डाला था? मतलब मेरी लाइट चली गई थी तो पता नहीं लग रहा था। कोफ्तों में क्या क्या डाला था? कोफ्तों में क्या क्या डाला था वो बता दूं? जी जी ठीक है, आधा किलो कीमा था, ठीक है, उसमें थोड़ा हल्का सा चर्बी वाला कीमा लेना है, ठीक है, उसको आपने चॉपर में डालना है। हरी मिर्चों का पेस्ट था एक खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट था एक खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च थी एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक से डेढ़ चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और गरम मसाला पाउडर डाला था उसमें आधा चाय का चम्मच, और हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करके एक टेबल स्पून डाल के, और उसको आपने ग्राइंड कर लेना, अच्छी तरह चॉपर में चला लेना है, जी बिल्कुल चॉप हो जाएगा मलाई की तरह। फिर इसके बाद हाथ गीला करके उससे ऑयल से ग्रीस करके इसके छोटे छोटे 1 टीस्पून जितने आपने बॉल्स बनाने, तक 50 बॉल्स बन जाएंगे। फिर उसको शैलो फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक फरमाइश करनी थी मुझे, जी खड़े मसाले का कीमा बनाना, खड़े मसाले का या खड़े मसाले का? खड़े मसाले का, ठीक है, इंशाल्लाह रेसिपी में ही है, इस वीक में या कमिंग वीक में बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई एक चाय का चम्मच, भर के नहीं नॉर्मल एक चाय का चम्मच फ्रेश काली मिर्च कुटी हुई डाल दी है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ इसमें क्या क्या डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय के चम्मच से थोड़ा कम लेवल में रखिएगा, कुटी हुई काली मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक एक चाय के चम्मच से थोड़ा कम, उसके बाद धनिया कुटा हुआ साबित धनिया कुटा हुआ एक खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर डालना है इसमें आधा चाय का चम्मच। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अदी कह रहे हैं कितना गला क्या? जी अदी पूछना चाहिए, वाइट कोरमो इंशाल्लाह चिकन में या बीफ में? ठीक है अदी, ईद का पो भी जेको कमिंग वीक इधर ईद इंदी, ठीक है, ईद का पो जेका जुमेरात इंदी हुन का वरी लाइव इंदम तो हुन वीक में तांके ठाई दिंदम, ठीक है, वाइट कोरमो, ओके दी पाँ ख्याल रखो, ठीक है। छाछा विदो वरी बुदाया पे हो, इनमें हबीब कुकिंग ऑयल अध कप, अदरक कुटियल बारीक ना हो जे मोटी कुटियल एक खाण जो चमचो, थूम कुटियल एक खाण जो चमचो, टे अध सावा में छुंजो दाग ठायो, अध किलो इनमें बीफ या मटन विझी छॾिजो हॾी वारो या बग़ैर हॾी जो, मूं बग़ैर हॾी जो विधो आहे, ठीकु आहे। हुनखे 3-4 मिंट फ्राई करण खां पोइ हुनमें टमाटा 3 अदद विझी छॾिया वॾा, कटिंग करे हुन सां गॾु हिन में मसाला विधा आहिनि, साबित धाणा हुनखे कुटे विझिजो, पीठल धाणा न विझो, कुटियल धाणा हिकु खाइण जो चमचो, अछो ज़ीरो कुटे विझंदो हिकु चांहि जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जे चमचे खां थोरा घटि लेवल में, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, कुटियल कारा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, लूणु हिकु चांहि जे चमचे खां घटि, हैड विधी आहे हिन में अधु चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। हिन मसाले खे चङी तरह भुञण खां पोइ हिन में ॾही विझंदासीं अधु कप, ठीकु आहे, आधा कप अब ॾही जाएगी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हेलो, हेलो, जी जी, ओके, लाइन ड्रॉप हो गई आपकी। अच्छा यहाँ पे हमने दही डाल दी आधा कप, अध कप दही भिजी चली है, ठीक है, आधा कप दही डाल के इसको 2-3 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें हम पानी डालेंगे 2.5 कप जितना पानी डाल के इसको कवर कर देंगे, जब गोश्त गल जाएगा उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। ये स्पेशल ईद स्पेशल कढ़ाई है, डिफरेंट तरीके से मसालेदार चटपटी कढ़ाई बनेगी, ठीक है। अब इसको 2 मिनट पकने देंगे, उसके बाद इसमें 2.5 कप पानी डालेंगे, दही का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए, ठीक है। फिर इस तरह रेसिपी बदी, यहाँ तक की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। 1/2 कप हबीब कुकिंग ऑयल लिया, अदरक डाला 1 खाने का चम्मच, लहसुन डाला 1 खाने का चम्मच, मोटी हरी मिर्चें 3 अदद कटिंग करके डाली, भगार बना, गोश्त डाल दिया 1/2 किलो, उसके बाद उसको 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें टमाटर डाल देने, 3 बड़े टमाटर चॉप करके डाल देने,
उसके बाद आपने इसमें कुटा हुआ धनिया डाल देना है, साबित धनिया कूट के एक खाने का चम्मच, जीरा एक चाय का चम्मच कुटा हुआ डालना है, पिसी लाल मिर्च एक चाय के चम्मच से कम, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल दिया और मसाले को अच्छी तरह भूना। उसके बाद आपने इसमें आधा पाव या आधा कप दही बीट करके डाल दिया, आधा कप काफ़ी है जी। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कह रहे हैं कि था गलाया प्या अदी नान खताई तो बटे दफा ठाई चुका है, मुझे पेज ते रिसीवर जो क्योंकि मसालो इंशाल्लाह सुभाणे ठाइंदा सी, बारबेक्यू मसालो जेको मा चयो ना सिखुन जो वो सुभाणे इंशाल्लाह ठाइन सिखांदम, दिस जो ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कल हम बारबेक्यू मसाला बनाएंगे, 3 किलो के हिसाब से बनाना सिखाऊंगा मसाला। वो मसाला आप लेग पीस जो रोस्ट करते हैं मटन लेग, उसके लिए भी होगा, और अगर बारबेक्यू करना चाह रहे हैं घर में तो 3 किलो तक के गोश्त के लिए वो मैं मसाला बताऊंगा। बाकी आप उसमें से अगर 1 किलो बना रहे हैं तो उसका 1-3 पोर्शन करके उसमें से 1 पोर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूध बॉयल होता जा रहा है, इसकी जो मलाई आती जा रही है मैं साइड में चारों तरफ घुमाता जा रहा हूँ, मलाई बहुत सारी जमा हो गई चारों तरफ, ठीक है। अभी भी दूध हमारे पास आधा किलो जितना बाकी है, इसमें 2 लीटर से आधा किलो दूध बन गया, रबड़ी बन रही है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने इसको ट्राई करना है, रबड़ी को बिल्कुल वही रबड़ी जो हम बाहर मार्केट से लेते हैं वही रबड़ी आपको बनाना सिखा रहा हूँ। हल्की आंच कर देंगे, अगर आप काम कर रहे हैं तो हल्की आंच कर लें, वरना मीडियम पे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे ऑयल इसका ऊपर आने लगा, दही का पानी जब खुश हो गया, अब हम इसमें 2 से 2.5 कप डाल देंगे पानी। मैं 2 कप डाल रहा हूँ ताकि गोश्त गल जाए, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की कढ़ाई है, बहुत मज़े की बनेगी। अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम ते इनके बाय ते कवर के छंदासी 15 मिनट जेला, ठीक है। कॉल बटन था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटे आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रही हैं? जी जी, कैसे हैं आप? टिक्का मसाले का पूछना था, वो आपने अभी बता ही दिया कि कल मैं बता रहा हूँ। जी कल बनाऊंगा बारबेक्यू मसाला ना जी। वैसे आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा काम कर रहे हो, अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे और सलामत रखे, आमीन, जज़ाकअल्लाह, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, बस कल मसाला बता दे कि टिक्को के मसालों का क्या, बारबेक्यू का 3 किलो के हिसाब से बताऊंगा, तो फिर आप उसमें से जो ज्यादा करना हो तो फिर वो भी बता दूंगा कितनी क्वांटिटी आपने ज्यादा करनी है, ठीक है। कल देखिए, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, मलाई आती जा रही है और इसको मैं साइड में करता जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इलायची का पाउडर बनाएंगे। इलायची ले लेते हैं 8 से 10 अदद, ठीक है। इसका पाउडर बना के और उसको छान के इलायची को छिलका हटा के इलायची हम इसमें डाल देंगे रबड़ी में, ठीक है। अगर इलायची नहीं है तो केवड़ा वाटर भी आप डाल सकते हैं 1 टीस्पून, ठीक है। अगर इलायची ना है तो केवड़ा वाटर जो हों वो तहन में विझी छो 1 चाय जो चमचो, ओरिजिनल में इलायची पड़ गया। इसके छिलके हटा देंगे क्योंकि इलायची जब हम पीसते हैं तो इसमें छिलका आ जाता है, तो छिलका आप हटा दें बिल्कुल, छिलका नहीं आना चाहिए। इसका जो ये दाना है ये हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये ॾिसो, इन जो छिलको सफ़ा हटाई छा जो हिंजा जेके दाणा हूंदा पाउडर ठही वियो आहे इहो हिन जे अंदरि विझंदासीं, 1 चाय जे चमचे खां थोरो घटि आहे, ठीक है। 1 चाय के चम्मच से थोरा कम है, इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको हल्के हाथ से मिक्स करके फिर छोड़ दें। अब जो जो मलाई आती जाएगी वो इसके साइड में करते जाएं। जो रबड़ी में जो लच्छा होता है वो इसी तरह बनता है, वो तो खैर मन के हिसाब से दूध लेते हैं, मनों के हिसाब से वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बनाते हैं, लेकिन मैंने 2 लीटर का बनाना सिखाया तो ये आप 4-6% के लिए, अगर ज़्यादा खाते हैं शौक से तो 4% के लिए फिर आप उस हिसाब से दूध बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। कॉल बटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं खैरपुर से बात कर रही हूँ, नूरुल ऐन फातिमा। जी जी, कैसी हैं आप? जी जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बस ये है कि आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रेसिपीज हमें मिलती है पकाने के लिए, थैंक यू। वैसे भी लॉकडाउन का ये टाइम चल रहा है, इसमें खवातीन जो है वो घरों पे ही होती है, तो उनको खाना पकाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं ये टीवी चैनल। जी बिल्कुल,
आज के इस दौर में जो कोविड-19 से पूरा मुल्क हमारा घिरा हुआ है, तो उसमें जो हमारा मीडिया का काम है बहुत अच्छा काम है, पॉजिटिविटी का काम जो फैल रहा है जी, उसके लिए आप सबको जो है हम सलूट पेश करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। अच्छा मुझे ये कि मैं एक रेसिपी आपसे कहनी है, जो पैन पिज्जा जो मैं बनाती हूँ ना जी जी, तो इसमें जो है चीज अगर ज्यादा भी डालते हैं फिर भी उसमें ना थोड़ी थिकनेस कम होती है, उसके लिए कोई आप टिप दे दें। चीज मतलब दोबारा बोलिएगा, जब आप पैन में बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? जब मैं पैन पिज्जा बनाती हूँ, हालांकि उसमें चीज वगैरह सब ज्यादा होती है, चेदर चीज, मोज़रेला चीज भी, लेकिन फिर भी ना उसमें थोड़ा सा थिकनेस जो होती है पिज्जा में जो होता है वो कम होता है। आप उसकी कोई आप वजह बता वो दें, जो बता दें उसकी कोई, वो जो स्टिकी होती है वो कम होती है, लाइक जैसे हम पीस लेते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें चीज आ रही होती है, वो चाह रही हैं? जी जी जी, वो चाहते हैं, वो नहीं हो पाता वो, तो पता है क्या, आप क्वांटिटी एक तो चीज की बढ़ाएंगी, और चेडर चीज आपकी क्वांटिटी जैसे हाफ कप आप सपोज ले रही हैं, मोज़रेला सॉरी चेडर चीज आप सब ले रही हैं हाफ कप, तो मोज़रेला चीज आप 1 कप कर दें, तो उससे वो ज्यादा है ना वो हेवी हो जाता है, रिची सा हो जाता है। अच्छा, मोज़रेला चीज़ है ना वो स्टिकी करती है, वो ज़्यादा उसमें लच्छा सा आ जाता है और ज़्यादा चीज़ आ जाती है। ठीक है, ओके जी। अच्छा एक शॉर्ट ब्रेक वठूँ था, जैसे असांजी रबड़ी भी तैयार थे पाई, कढ़ाई भी असांजी मसालेदार कढ़ाई स्पेशली जी तैयार थे पाई, वठूँ था कि शॉर्ट ब्रेक, ब्रेकअप हो जी कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में उनका पहली तांग सामुझे कर रेसिपी टाइप पे हबीब कुकिंग ऑयल था, अगर टाइम पे हबीब कुकिंग ऑयल विटामिन ए या डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, ओमेगा 6 मौजूद है, एक्स्ट्रा फैट्स के बंद करे तो हार्ट जिला तमाम बेहतरीन है, हार्ट डिजीज के तमाम खत्म करे तो, ये वी सो तो मार्केट में अवेलेबल है, हबीब बनस्पति घी भी तमाम बेहतरीन है, जो मैं मिठा ठाईंदा इतने असाजी रबड़ी तैयार थे पी। रबड़ी के लिए बार बार जो इसमें बॉयलिंग आती जा रही है, ये दूध के ऊपर जो मलाई आती जा रही है ये मैं साइड में जमा करता जा रहा हूँ, इस तरह चारों तरफ, एक तरफ नहीं चारों तरफ आपने जमा करनी है। ठीक है, अच्छी खासी इसमें बलाई आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जब आप देखेंगे इसमें 1 पाव के करीब दूध रह गया तो इसमें चीनी डालेंगे 4 खाने के चम्मच, बस इससे ज़्यादा मीठा नहीं कीजिएगा, वैसे दूध पक पक के खुद ब खुद उसमें मिठास सी आ जाती है। 1, 2, 3, 4 4 टेबल स्पून इनमें हली हुई खंड, 4 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद इसको मलाई को पहले हटा दें साइड में जो ऊपर आ रही है, अब इसको चीनी को इसमें डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, चीनी को इसमें हल करें, चीनी पानी छोड़ती है, 3-4 मिनट चीनी को पकने दें। ठीक है, 3-4 मिनट चीनी पकती रहेगी, उसके बाद हम इसको उतार के साइड में ठंडा करेंगे और इसमें खोया मिला देंगे 1/2 पाव। ठीक है, ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया, 1 पाव के करीब दूध रह गया, लेकिन दूध हमारा ये गाढ़ा हो गया, देखें इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है जी। कॉल वटू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा जी। अदी चालन केरे किथा गलायो पया? जी मां सोनिया गले दी पया रहती शहर का आदा जी। अदी कुछ चैन चाहिंदो? जी आदा ता ये कुकिंग दाठी बेहतरीन है, सुठी होंदी है, सा ट्राई भी कंदा रहंदा हूं। मेहरबानी जी। अच्छा लाइन ड्रॉप थी। अब ये दूध गाढ़ा हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें खोया मिलाएंगे, खोया है 1/2 पाव मेरे पास। ठीक है, हाथ से मसल के खोया इसके अंदर मिला दें, इस तरह 1/2 पाव फीका खोया, अगर फीका खोया नहीं है तो मिल्क पाउडर ले लें। ठीक है, मिल्क पाउडर इसमें 1/2 कप मिला दें। ठीक है, लेकिन खोए से ज़्यादा टेस्ट आता है। ठीक है, माओ फिको इनमें विझा पे हो, माओ वधिक टेस्टी हों न तो माओ ना है तो इनमें छा विझ तंदर विझ पाउडर मिल्क। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करने के बाद इसको उतार के यहाँ साइड में लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे रबड़ी बनेगी। कॉल बटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आज सर बहुत अच्छी चीज बना रहे हो। थैंक यू, ये बहुत पसंद है हमारे घर में ये जी, जो आपने जो बनाई है ना रबड़ी जी जी, बहुत अच्छा है, सारे बड़े खुश होते हैं, हमें पता नहीं कैसे बनती है। इजी होती है लेकिन ये कि टाइम बहुत लगता है, लेकिन ये कि बन जाती है ना, 1 घंटा इसका
एक से डेढ़ घंटा, 2 किलो दूध है तो 1 घंटा, अगर ज़्यादा दूध है तो वो फिर टाइम लेगा, जितना दूध आपका वो ड्राई होता रहेगा उतनी देर में वो आप करते रहें इसको ना। क्या चीज़ पसंदे? ठीक है, पसंदे इंशाल्लाह ईद के बाद फिर बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू जी। जी हेलो, ओके जी। अच्छा, ये इसमें खोया मिला दिया, ये गाढ़ा होगा रखने से। अब ये जो हमने मलाई यहाँ पे जम गई है लच्छा, ये सारा उतार देना है। ठीक है, ये सारा इसके अंदर मिक्स करते जाना है, जलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, ये जितना है लच्छा इसके अंदर मिलाते जाएंगे, यही लच्छा होता है, यही रबड़ी बनती है, इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएं। और ये जब ठंडा होगा, ये रूम टेम्परेचर पे आएगा, फिर आप इस, ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है, फिर ये रबड़ी गाढ़ी हो जाएगी। इसको उतारते जाएं, इसमें मिलाते जाएं, आराम आराम से चारों तरफ से, ठीक है, घुमाते जाएं, उतारते जाएं इसको। जितनी भी मलाई है सारी इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर मिक्स करें अच्छी तरह, साइडों से उतारें, और जितनी भी मलाई है, रबड़ी, लच्छा, ये सारा इसके अंदर मिक्स हो गया। अब इसको उल्टे चम्मच से थोड़ी देर घुमाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। कॉल बटूँ तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे फैसल भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत ज़बरदस्त, ईद की तैयारी करवा रहे हैं आप। थैंक यू। अच्छा, ये रबड़ी तो बहुत अच्छी बन रही है, लच्छा भी इसी तरह बन सकता है? लच्छा भी इसी तरह बन सकता है, रबड़ी का जो ये वही है रबड़ी लच्छा, वो आप कौन सा लच्छा कह रही हैं? वो जो मिठाई वाले के पास होता है जी, जी। नहीं नहीं, उसका प्रोसेस अलग होता है, वो ये नहीं है, ये रबड़ी है। हाँ, तो वो बन सकते हैं? नहीं, वो इस तरह नहीं बन सकता, उसका प्रोसेस अलग होता है, वो भी कभी बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, ईद के बाद आराम से कभी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बनाना सिखा। और आप कहती हैं ठीक है, बहुत अच्छी रेसिपी आपकी होती है और बहुत अच्छे तरीके से आप बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये देखिए रबड़ी हमारी तैयार हो गई। अच्छा, ये अभी गाढ़ी हो जाएगी, दूध इसमें होगा लेकिन ये थोड़ी देर में जब ये रखेंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसमें पिस्ता बादाम मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं पीछे, ये ठंडा होता रहेगा, उसके बाद हम इसको बॉल में डाल के सर्व करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी रबड़ी तैयार। अब हम देखते हैं कढ़ाई, ईद स्पेशल जो कढ़ाई बन रही है, इसमें जो टमाटर हैं इसको अब मैश करें अच्छी तरह स्टेम से। ठीक है, ये गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा, और अगर गोश्त आपको लगता है नहीं गलेगा तो इसमें आधा किलो में 1 चाय का चम्मच पपीते का पेस्ट लगा के आपने रख देना है 10 से 15 मिनट, उसके बाद आप यूज़ करें। ठीक है, तो गोश्त गल जाएगा, अदरवाइज़ वैसे भी गल जाएगा। ठीक है, अगर तव्हांखे लॻे थो ईद खां पोइ अगरि कढ़ाई ठाहिण जो दिलि करे पियो कि गोश्त न थो ॻरे, बाज़ दफ़ा कुझु जानवर अहिड़ा हूंदा आहिनि गोश्त न ॻरंदो आहे फ्रीज थियल बि गोश्त में, त पोइ तव्हांखे पपीते जो पेस्ट लॻाए 10-15 मिंट छॾी वठिजो गोश्त खे, फ्रीज गोश्त खे न लॻाइजो, नरम थी वञे रूम टेम्परेचर ते अची वञे हुन खां पोइ। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह टमाटरों को मिक्स करेंगे। कल हम बनाएंगे देगी कोरमा, ठीक है, और बारबेक्यू मसाला बनाना सिखाऊंगा। कल की रेसिपी देखिएगा, फरमाइश भी थी देगी कोरमा, देगी कोरमा बनाएंगे हम बीफ में। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक भी हैं, नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे है, सैटरडे को ईद आ रही है, तो नेक्स्ट वीक जब हम बनाएंगे उसमें भी 2 रेसिपीज़ होंगी, कोई अच्छी सी रेसिपीज़ बनाएंगे। फिर सैटरडे को जब ईद होगी, सैटरडे संडे मंडे ईद होगी, फिर ट्यूसडे वेनसडे के बाद जो थर्सडे आएगा कमिंग, उसमें भी हम फिर बीफ की रेसिपीज़ 2 वीक तक बनाते रहेंगे, जो पसंद है, और इस तरह की काफ़ी सारी बीफ बर्गर है, बीफ स्टेक है, डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, वो आपकी फरमाइशें पूरी करते रहेंगे ताकि आप लोग ईद के बाद भी इंजॉय कर सकें। सब्ज़ियों के साथ भी बनाएंगे, दाल के साथ भी बनाएंगे, हलीम भी बनाना सिखाऊंगा, निहारी ही रह जाएगी, निहारी बनाएंगे। इस तरह की काफ़ी सारी कोफ्ते हैं, नरगिसी कोफ्ते कोशिश करूँगा ईद से पहले बना दूँगा, क्योंकि बहन की एबटाबाद से फरमाइश है, पहले भी इन्होंने की थी, तो वो कमिंग वीक में बना देंगे ईद से पहले। ठीक है, इनशाला मथे हफ्ते ॾिसजो बीफ जेके 2 ॾींहं रहिजी वेंदा असांजा, जुमेरात जुमो चंड रात ताईं, हुन में बि 2 रेसिपीज़ खां या 4 रेसिपीज़ ठहंदियूं। बाक़ी पोइ ईद खां पोइ जेका जुमेरात ईंदी हुन में वरी पोइ असां गोश्त जी दाल सां गॾु, सब्ज़ी सां गॾु, डिफरेंट क़िस्म जूं हुन में बर्गर वग़ैरह हिन टाइप जी शयूं ठाहींदासीं। ठीकु आहे, इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूं। सबसे पहले जो मैंने बनाई है रबड़ी, 2 लीटर दूध लिया, पहले दूध को बॉयल करें, और खुला दूध में बनानी है, ये जो हम टेट्रा पैक लेते हैं ना डब्बे वाला दूध, उसमें नहीं बनाना है, जो भैंस का दूध लेते हैं हम खुला दूध, वो लेके उससे रबड़ी बनेगी, ये बता दूं आपको, टेट्रा पैक से नहीं बनानी है, उससे मलाई सही नहीं आएगी। ठीक है, खुले दूध से कच्चा दूध बॉयल करके फिर आप बनाएं, पहले तेज़ आंच पे बॉयल हो जाएगा, फिर हल्की आंच कर दें, फिर मलाई से 6-7 मिनट में आती जाएगी,
फिर मलाई साइड में करते जाएं, चारों तरफ बाउंड्री पे मलाई लगाते जाएं। एक घंटा आपको रहना पड़ेगा इसके साथ, या चलते फिरते जैसे नज़र रखनी होगी ताकि दूध बॉयल भी ना हो, जले भी ना, और साइड्स में बाउंड्री भी ना जले। इस तरह करते जाएं। और अगर आपको लगता है कि दूध बाहर आ जाएगा या जलने का है, तो बटर ले लें, एक चाय का चम्मच से भी कम, आधा चाय का चम्मच, पहले ठंडे पतीले पे बटर लगा दें, ठीक है, पूरे पे ग्रीस कर दें, फिर उसमें दूध आप डाल के फिर करें। लेकिन फिर दूध बॉयल डालना है, कच्चे दूध को नहीं डालना है, ठीक है। पहले बॉयल दूध कर लें, फिर दूसरे पतीले में ग्रीस करके बटर से, मक्खन से, आधा चाय का चम्मच मक्खन लगाए, फिर आप ये दूध बॉयल वाला उसमें डाल के फिर उसको हल्की आंच पे पकाते रहें। एक घंटा लगा तकरीबन इसको पकते हुए, तो ये साइड में मलाई आती जाएगी। जब एक पाव के करीब दूध रह जाएगा, डेढ़ कप जितना, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें चीनी मिला देनी है 4 खाने के चम्मच, 2-3 मिनट पकाना है, फिर उसमें फीका खोया मिला दें। अगर फीका खोया नहीं मिलता तो कलाकंद शुगर फ्री मिलती है, वो भी फीके खोए की तरह होती है, वो आधा पाव मिला दें। अगर वो भी नहीं है तो पाउडर मिल्क जो हम यूज़ करते हैं, इन्फेंट वाला बच्चों वाला नहीं, ठीक है, जो नॉर्मल पाउडर मिल्क मिलता है, वो आपने मिला देना है उसमें, 1/2 कप जितना मिक्स कर दें, लेकिन खोए से ज़्यादा टेस्ट आता है। इलायची का पाउडर पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना, इसको फिर सारी रबड़ी को साइड से लच्छे को उतार के मिक्स करें, मिक्स करके इसको 1 घंटा पंखे के नीचे रख दें, फिर फ्रिज में इसको ठंडा करें, गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, अभी लिक्विड लगेगा आपको रखने से, टेम्परेचर पर गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा मसाला गोश्त तैयार हो रहा है, रबड़ी जेका ठाही है उनकी रेसिपी बुधाई तो छा, खीर के तहाँ काढ़े वठन दो, ठीक है, खीर के काढ़न दो, इनके हल्की बाहि कयूं था ताकि गोश्त असो चंगी तरह गरी वे, उन बाद असान में शयू हुई। बाकी रबड़ी लाइ खीर खड़न दो 2 लीटर, उनके काढ़े छजो, अगर तक लगे तो खीर सड़े तो या कारण का गाढ़ो थे तो साइड का, वो पहले खीर एक पतीले में काढ़े वो, वरी बे पतीले में मखण अध चाय जो चमचो सजे के लगाई, उनमें तक खीर विझी, 2 किलो खीर के काढ़े, और साइड में मलाई हटाई रहो, जो 1 पाक खीर विझी, इलायची जो पाउडर विझी जो अध चाय जो चमचो, 4 खाने के चमचा, उनमें खंड विझी वरी पचाए जो, 1/2 पाव जितो माओ फिको विझी छो, मिक्स कजो, साइड की जितनी मलाई है सब लाई छो, लाइन का उनके मिक्स कर थदो कजो, फ्रिज में रखो, जैसे सफा घाटो थी रबड़ी वगर फोन के तहत सर्व कर, 4-5 मू आराम से खाई सकता, ठीक है। अदरक कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, 3 अदद मोटी हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी थी, भगार बना पे गोश्त डाल दें। अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक तो उनका पहले ताने सामुझे कर रेसिपी टाइप है, हबीब कुकिंग ऑयल का गट, विटामिन ए या डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूदा, बनस्पति घी तमाम बेहतरीन है, जो अस मिठे में हाँ ईद अचे पे में सयू वगैरह ठाईंदा तो बनस्पति घी हबीब जो मार्केट में जो नंबर 1 क्वालिटी में दस्तियाब है। इतने असि कढ़ाई भी तैयार थे पी और जो मैं चूल्हो थोड़ा हल्को कर छो, ठीक है, चूल्हा थोड़ा हल्का कर दिया था, अब थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया ताकि कढ़ाई हमारी तैयार हो जाए। इसके अंदर और बाकी चीज़ें क्या क्या जाएंगी वो आपको बताते हैं। और अब हमारी रबड़ी जो है वो तैयार हो गई, इसको एक बॉल में डालते हैं। रबड़ी गाढ़ी हो गई है, मेरे सोहाने घाटी थी भैया, ठीक है, बिल्कुल लच्छा इसके अंदर आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त बन गया, ऐसा लच्छा बनना चाहिए, ये 4 से 5 अफराद आराम से खा सकते हैं। ईद में आप बनाएंगे तो 4 किलो दूध से बनाएं तो वो ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। इसको हम डालते हैं मिट्टी के बॉल में, ट्रेडिशनल तरीके से इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े की ये रबड़ी, खट्टा साइड पे ये बहुत मशहूर है, वहाँ से मिलती है, हैदराबाद की भी रबड़ी मशहूर है तो, लेकिन ये आपको मैंने बनाना सिखा दी है वही रबड़ी जो हम बाहर से इतनी महंगी लेके खाते हैं। सिर्फ 2 लीटर दूध से आप बनाएंगे तो कितनी सस्ती बन जाती है, अगर इतनी आप रबड़ी जाके लें तो ये 800 की कम अज़ कम आपको इस क्वान्टिटी में 800 की जाके मिलेगी, और अगर दूध की लें तो सब चीज़ें मिला के 250 में आपको ये रबड़ी घर में तैयार हो जाएगी, ठीक है। पैसों का इसलिए बताता हूँ क्वान्टिटी ताकि आप लोग को पता हो कि कितना फ़ायदा होता है इस चीज़ से, ठीक है। बारह लेसो केतरो फ़र्क पे जी तो ने रबड़ी में, इनमें बिल्कुल परफेक्ट लच्छो भी अच्छे भी देखें, अब इसमें नज़र आ रहा होगा आपको लच्छा इस तरह, ये पूरा ठंडा होने से और ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हमारी होगी रबड़ी तैयार, इसको रखते हैं प्लेटर में ताकि ईद के हिसाब से ये मैंने आपको बनाना सिखाई है। चांदी का वर्क लगाना चाहें तो बना, इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, पिस्ता बादाम डालना चाहें तो डालें, वैसे नॉर्मल रबड़ी में पिस्ता बादाम नहीं डलता, ठीक है, लेकिन ठंडा फ्रिज में करके ठंडा करके आपने खाना है। ये 3 पाव के करीब है रबड़ी, ठीक है। यहाँ पर कढ़ाई हमारी हो गई है तैयार, अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी,
गोश्त गलना चाहिए, बस आपने ये चेक करना है, हल्की आँच पे बनाना है। ये कढ़ाई आप कुकर में भी बना सकते हैं, ये वो कढ़ाई नहीं है जो शिनवारी, और वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा आपको। इससे पहले शिनवारी कढ़ाई एक बनानी है, ठीक है, पेशावरी जो होती है, लेकिन ये जो है ये ज़बरदस्त ईद स्पेशल कढ़ाई है, ठीक है, ईद स्पेशल कढ़ाई है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, खुश्क मेथी। इसमें स्टिक्स आ रही हैं तो वो हटा दें। हाफ़ टी स्पून हाथ से मसल के अच्छी तरह इसके ऊपर कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच आप डालेंगे, लेकिन इसमें डंडी जो अगर आ रही हो तो वो हटा देना, ठीक है। पत्ते जो होते हैं इसके हाथ से मसल के आपने हाफ़ टी स्पून डाल देने। उसके बाद हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर डालना है, आधे चाय जो चमचों गर्म मसाला पाउडर बिंदो इनमें, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर डाल दिया। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, एक चाय का चम्मच लेमन का जूस, ठीक है, मज़ेदार ये बनेगी। नान के साथ इसको खाएं, चपाती के साथ खाएं। एक चाय जो चम्मच लीमे जो रस, अदरक जूलियन कटिंग की हुई, हरी मिर्च जूलियन कटिंग की हुई डाल दी, और इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे, ठीक है। 5 मिनट इनके दम पर रखंदासीं ऐं असांजी कढ़ाई तैयार थी वेंदी। इनके रखूं था टेबल ते मिठे के, ठीक है। ये हो गई हमारी रबड़ी, ईद स्पेशल रबड़ी, और ईद स्पेशल कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई कर लें, बीफ कढ़ाई कर लें, बस ये थोड़ी देर इसका हरी मिर्चों का थोड़ा कलर चेंज हो गया तो आपकी बिल्कुल ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी। इसके बाद हरा धनिया जाएगा, इसके ऊपर अदरक जाएगी जूलियन कटिंग की भी। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कोई चीज़ समझ ना आई हो। और रबड़ी जो है ये आप अगर 4 किलो की बना रहे हैं तो इससे बड़ा, ये तकरीबन 4 से 5 अफराद खा सकते हैं। अगर 8 से 10 अफराद है तो 4 किलो दूध की रबड़ी बनाएंगे, 4 किलो दूध की भी रबड़ी बनाएंगे तो आपकी 3 से 4 किलो तक, 300-400 तक का खर्चा होगा, ठीक है, 400 के अंदर बन जाएगी या 450 के अंदर बन जाएगी। लेकिन वो आपकी बनेगी रबड़ी 1.5 किलो जितनी, डेढ़ से पौने 2 किलो जितनी बनेगी, वो जाके आप अगर ख़रीदते हैं तो 1400-1500 की जाके पड़ती है। तो इतना फ़ायदा है। ईद में हमेशा हम सवैयाँ बनाते हैं, शीर खुरमा बनाते हैं, ज़रदा बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, रबड़ी बना के रखें। ईद में दावत भी करते हैं हम, तो दावत में आप रबड़ी बना के रखें, बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार रबड़ी आपकी तैयार हो गई, ठीक है। इसको अगर पिस्ता फ्लेवर देना चाहते हैं, पिस्ता फ्लेवर में भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पिस्ता हाफ कप जितना, तकरीबन 4 खाने के चम्मच पिस्ते को पाउडर बना लें, पीस लें, ठीक है, ग्राइंडर में पीस लें, पिस्ते का पाउडर डालेंगे और ग्रीन फूड कलर होता है वो थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे आखिर में जब चीनी वगैरह डाल के, तो पिस्ता वाली रबड़ी हो जाएगी पिस्ता फ्लेवर में, ठीक है। ये भी मार्केट में फ़्लेवर आजकल आया हुआ पिस्ता रबड़ी, लेकिन क्या होता है सिर्फ पिस्ते का पाउडर डाला जाता है 4 खाने के चम्मच इस क्वांटिटी में, और अब ये 2 किलो दूध के लिए, ठीक है। लेकिन आखिर में जब आप खोया डालेंगी उस वक्त आपने पिस्ते का पाउडर डालना है, और यह ग्रीन फूड कलर होता है वो फ्यू ड्रॉप्स, 3-4 ड्रॉप्स वो डाल के पिस्ता ही कलर कर दें, बस वो पिस्ता रबड़ी बन जाएगी, ठीक है। पिस्ता फ्लेवर में अगर रबड़ी ठाणी है तो साओ कलर विझंदो आखिर में, जॾहिं माओ वगैरह सभु विझी छॾंदो, ऐं 4 खणी चमचा पिस्ता मुंहिंजो पाउडर ठाही छॾिजो सफ़ा, उहो पाउडर हुन में विझी मिक्स करे छॾिजो जॾहिं तव्हां तयारु कंदो। अभी हमारी हो गई है कढ़ाई तयार, इसको करेंगे मिक्स, बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, इसको हम निकालेंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई में ऑयल होता है, ठीक है, कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल से ही बनाएगा, कढ़ाई में ऑयल ज़रूर होता है, ड्राई नहीं होनी चाहिए कढ़ाई में, ज़रूर थोड़ा ऑयल नज़र आना चाहिए, उसी से खूबसूरती होती है कढ़ाई का, ओरिजिनल जो लुक होता है उसी से होता है, ठीक है। अदरक डाल दें बारीक जूलियन कटिंग की भी, उसके बाद हरी मिर्चें 2-3 रख देते हैं और भी इसके ऊपर, ठीक है। हरा धनिया चॉप किया हुआ बारीक, फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दें। ये हमारी हो गई ईद स्पेशल कढ़ाई, ठीक है, और लेमन का स्लाइस इसमें रख देते हैं एक छोटा सा। ये हमारी ईद स्पेशल कढ़ाई तैयार हो गई, और ईद स्पेशल रबड़ी मैंने सिखा दी है, कल 12 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है। ये ऐसा ही थी वे तैयार दोनों रेसिपीज, कढ़ाई भी और रबड़ी, ठीक है। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें यूट्यूब पे कुकिंग सिंध टीवी HD कुकिंग शो, सिंध टीवी HD कुकिंग शो, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सारी अपडेट्स मिलेंगी, जितनी रेसिपीज़ यहाँ पे वीडियोस हैं सारी वहाँ पे अपलोड हो जाती है, ये भी आज अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। कल रिपीट में देख लेगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे
मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह सुभाणे 12 वगे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज आ उते रेसिपी अपलोड थी विंदी वीडियो रिसन ला सर्च कयो सिंध टीवी एचडी कुकिंग शो यूट्यूब ते सब्सक्राइब कयो बेल आइकन जो बटन आ वो क्लिक कंदा कयो सजो अपडेट्स मिलंदी रहंदो पंजो कोर्स आरो खलक जो सुभाणे जी रेसिपी दिस सुभाणे मजेदार रेसिपी ठाइंदा सी बीफ या मटन के हिसाब सा बारबेक्यू मसालो ठाइन सकंदे इंशाल्लाह सुभाणे मुलाकात थी दुआओं में अदरक जो अलावा हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असां जो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी एचडी कुकिंग शो।